वेलकम टू द जीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। मैं संजीव टाटा वाले फिर से आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। आज हम लोग जानेंगे कि चाल, दूरी और समय क्या होता है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जिसे हिंदी में हम चाल, दूरी और समय कहते हैं। स्टूडेंट, क्या होता है स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है टाइम, इसको हम लोग अलग अलग समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर है, यहाँ अगर सपोज करो कि ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सपोज करो 20 किलोमीटर, ओके, तो हम डिस्टेंस इसे डिस्टेंस समझते हैं। ये इसका डिस्टेंस है, जिसे हिंदी में हम लोग दूरी भी बोलते हैं, ओके। नाउ अब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसे टाइम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसे जैसे सपोज करो कि ये व्यक्ति इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में अगर 5 आवर्स लगाता है तो ये इसका समय हो जाएगा। और अब सवाल होता है कि व्यक्ति इस 20 किलोमीटर का डिस्टेंस को 5 आवर्स में तय करता है तो वो कितना स्पीड से चला। तो उसको तय करने के लिए हम जो है स्पीड का यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला यूज करते हैं। यानी कि चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं ये व्यक्ति 20/5 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए समय लेता है, तो ये इसका स्पीड माना जाता है। अब इसको मैं अगर दूसरे वे से बोलूं तो ये भी बोल सकता हूं कि वह 1 घंटा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह उसका स्पीड कहलाया। तो ये जो है स्पीड या चाल को हम दूरी बटा समय से डिनोट करते हैं। अब इसी में अगर आपको एक्चुअली 8, 9, 10 में एक जैसे मोशन और आप जिसको हिंदी में आप गति बोल सकते हो, तो गति चैप्टर में भी आपको न्यूमेरिकल के तौर पे ये देखने के लिए जरूर मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी परेशान होते हैं इसमें। और एक चीज मैं और बताता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको भी सीखते हैं हम लोग। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो चीज कैसे होता है देखिए। तो 1 किलोमीटर इसका 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर इसका 1000 मीटर होता है। तो हम अगर इस 4 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में तोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 4 किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 4 × 1000 × 60 × 60 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये 2 × 4 × 2 × 3 × 6 यानी 20 × 2 × 3 × 6 यानी 10/9 मीटर पर सेकेंड। इसको फ्रैक्शन में डाल दो तो 1 × 1/9 मीटर पर सेकेंड के वे में मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, इस फ्रैक्शन के तौर पे इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट के लिए अगर आप स्टूडेंट अगर चाहते हो कि डायरेक्ट इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। बस आपको क्या करके याद रखना है, ये तो 1000/60 × 60 जो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, बस इसको आप क्या करना है, 1000 देखो मैं इसको वे बता देता हूँ, 1000/60 × 60 जो है इसको मैं यहीं पे कैलकुलेट करके दिखा, तो ये 0 × 0 × 0 × 0 अभी क्या होगा कि ये 2 × 5 = 10 × 2 × 3 = 60 यानी कि 5/18 से अगर इस 4 किलो ये 4 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डायरेक्ट जो है
ये इतना वैल्यू हमें दे सकता है, ठीक है। तो आप या तो ये डायरेक्ट आप इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड के लिए इंटू 1000 बाई 50 इंटू 50 से डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप 5 बाई 18 से इसको मल्टीप्लाइड करते हो तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होकर आपको दे देता है। अब हम लोग जानेंगे कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखो मैं इसके लिए क्या फॉर्मूला बताता हूँ आप लोगों को। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो बस आपको क्या करना है कि आपको इसी कंसेप्ट को उल्टा करके यूज करना है। जैसे अगर आप सपोज करो कि 36 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे। ये 36 है, मैं यहाँ दूसरा डिजिट ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में इजी है। 10 मीटर पर सेकंड को, तो 10 मीटर पर सेकंड को मैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करता हूँ तो कैसे करूंगा। जो मैं वहां पे 50 इंटू 50 नीचे डिवाइड किया, यहाँ पे 50 इंटू 50 ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 1000 से डिवाइड करता हूँ। क्या होता है, ये वो ए जीरो कैंसिल, ए जीरो कैंसिल, ए जीरो कैंसिल, ये वैल्यू जो हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैं बोल सकता हूँ 10 मीटर पर सेकंड को मैंने ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया। और इसके लिए भी मैं क्या ट्रिक्स बता सकता हूँ स्टूडेंट्स, 60 इंटू 60 बाय 1000 को आप उसको मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 0 कैंसिल, ये 36 बाई 10 यानी क्या हो सकता है, ये इसको आप बोल सकते हो कि 18 बाई 5, यानी इस नंबर को 10 इंटू 18 बाई 5 को डायरेक्ट अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देते तो ये वही वैल्यू देता 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप डायरेक्ट यूटिलाइज करके किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हायर क्लास तक इसकी परेशानी होती है, आप इसको यूटिलाइज करके आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग स्पीड समझ लिए तो अब हम समझेंगे एवरेज स्पीड। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पीड और एवरेज स्पीड में काफी परेशान हो जाते हैं। तो क्या होता है स्पीड और एवरेज स्पीड, तो देखते हैं हम लोग स्पीड और एवरेज स्पीड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अभी मैं इसी चीज को फिर से बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सपोज करो कि अगर यहाँ से वो यहाँ तक दूरी तय करता है 20 किलोमीटर दूरी तय करता है और उसको इस दूरी को तय करने में वो सपोज करो कि 6 आवर लगता है और उसके बाद जस्ट वो जब इस पॉइंट से रिटर्न होता है यानी इसी 20 किलोमीटर को, तो रिटर्न करने में होने में वो 4 आवर होता है आवर देता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग कैसे जानते हैं स्टूडेंट्स, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे, तो 20 किलोमीटर ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट में जाने में लगता है और बी पॉइंट से फिर से ए पॉइंट में आने में उसको 20 किलोमीटर, तो 20 प्लस 20। अब टाइम कितना, तो यहां से यहां तक वो जाने में 6 आवर लगता है और उसको फिर रिटर्न होने में 4 आवर लगता है, तो 6 प्लस 4, तो ये हो गया 40 बाई 10, तो ये 4 किलोमीटर पर आवर इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम का यूटिलाइज करते हैं, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए देता है। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो कि स्पीड और एवरेज स्पीड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हालांकि अगर आपको इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊं, अगर आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा मैं एक बार उसको रिविजन करा देता हूं। जैसे आपने पढ़ा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, आप इसी फॉर्मूला से आप डिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम। और इसी फॉर्मूला से आप टाइम का फॉर्मूला अगर निकालना चाहते हो तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तो अगर हमें स्पीड निकालना है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम उसका स्पीड गेट कर सकते हैं। अगर मुझे स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है और हमको डिस्टेंस गेट करना है, तो स्पीड और टाइम में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डिस्टेंस गेट कर सकता हूँ। और टाइम गेट करना है
और इस डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है, तो हम डिस्टेंस और स्पीड का वैल्यू यूज करके टाइम उसका निकाल सकता हूँ। बस सटे आपको बस एक चीज ध्यान देना है कि मुझे आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में, अगर सपोज करो कि आपका डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम जो है सेकेंड में दिया हुआ है, तो आप प्रयास करो कि किलोमीटर से इसको या तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करके आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ताकि जो वैल्यू स्पीड है वो आप मीटर पर सेकंड के तौर पर ले आओ। ऐसा नहीं कि मैं किलोमीटर पर सेकंड यूज करूँ, वहां मीटर पर सेकंड यूज करूंगा, किलोमीटर पर आवर यूज करूंगा। तो आपको इसको देखना होगा और इसको देखकर आपको उसको कन्वर्ट करना होगा।